अरे भैया, आप लोग ना वो ऊपर कमरे में ना दो बड़े बड़े ट्रंक रखे हैं, पहले उसको निकालिए, आराम से निकालिएगा। हाँ, उसके बाद दूसरा काम करें। ये तो मुरली की किताबें हैं ना? हाँ। तो इनको क्यों रख रही हो? मुरली भी हमारे साथ रतलाम चलेगा। अरे क्यों? मगर सविता, अरे मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है उसको यहां से भेजने का ना, तुम नहीं छोड़ना चाहती ना उसे, लेकिन तुम्हें पता है ना ये सब तो उसी के लिए किया है। 15 दिन हम यहाँ क्यों रुके थे? अरे उसके स्कॉलरशिप मिलेगी। मुरली को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। क्या? क्यों? क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? किसने? हम कह रहे हैं बस, अब 15 दिन हम लोग जो यहाँ रुके हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पहली बार मुरली ने इतनी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की है, उसने कोशिश की है, ये भी तो कोई कम बात नहीं है ना। हाँ, आप एकदम ठीक कह रहे थे, हम खुश हैं कि मुरली हमारे पास रहेगा। नहीं सविता, गलत हो तुम, एकदम गलत कह रही हो। अरे जिस तरह से हमारे बेटे ने पढ़ाई की है ना, जिस तरह से उसने मेहनत की है ना, हो ही नहीं सकता कि उसको स्कॉलरशिप ना मिले। सुनो, ये किताबें रखो, नहीं जाएगा। अरे नहीं, आप हमारी बात सुनिए। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हटाओ सारा सामान, हटाओ। शंभू, शंभू भैया, ये भी मुरली का बैग है ना? जी। सुनो, वापस रखो उसको अंदर का। अरे सुनिए, नहीं जा रहा है वो। भैया आ गया। मुरली, मुरली क्या हुआ रिजल्ट का? क्या हुआ बेटा, बोल ना। रिजल्ट का क्या हुआ? सस्पेंस पिक्चर चल रहा है क्या? बताओ ना क्या हुआ। हुआ क्या बेटा, बोल। मैं फर्स्ट आ गया। फर्स्ट? मुरलीधर शर्मा, फर्स्ट रैंक। मेरा भाई फर्स्ट आ गया, मेरा भाई फर्स्ट आ गया। शाबाश बेटा, शाबाश। वाह भाई वाह मुरली, कमाल कर दिया तुमने। अरे बेटा खड़ा क्यों है, आशीर्वाद ले, पैर छू, चल चल। अरे अरे हमारे नहीं, बाकी चल। वाह बेटा, जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। आज तुमने मेरी नाकुची कर दी। देख गर्व से तेरे पापा की छाती कितनी फूल गई, देख रहा है? मेरी भी नाकुची हो गई है, देखो। मैथ्स में 100। कल पेरेंट टीचर मीटिंग है पापा, आपको आना है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे मुरली। और सुनो ना, कल ना तुम्हारे स्कूल में मैं तुम्हारे हॉस्टल के लिए भी बात कर लूंगा, ठीक रहेगा ना? हम हलवा बनाते हैं सबके लिए, मुंह तो मीठा करवाएं। अरे सविता, तुम हलवा हलवा छोड़ो, आज एक काम करते हैं, कुछ बढ़िया से मंगाते हैं बाहर से खाने के लिए, है कि नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम बनाते हैं। भैया उसकी क्या रैंक आई? थर्ड। थर्ड नंदिनी, और अब क्या गोल है? बोर्ड एग्जाम्स में फेल होना है क्या? सॉरी मम्मा। हमें सॉरी बोलने से क्या होगा बेटा, इट्स योर लाइफ, जो करना है करो। मुरली शर्मा जैसे बच्चों के साथ दोस्ती करो, नो वंडर तुम्हारे ग्रेड्स कम हो रहे हैं। वो मुरली फर्स्ट आया इस बार। वंडरफुल, ये तो और भी अच्छा है। वो रतलाम से आया हिंदी मीडियम बच्चा, उसने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। वेल डन नंदिनी। मम्मा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अगली बार अच्छे मार्क्स लाएंगे, आई प्रॉमिस यू। हमें तो लगता था तुम कुछ करना चाहती हो, लाइफ में कुछ बनना चाहती हो, पर अगर तुम्हें सिर्फ हाउसवाइफ बनके अपनी लाइफ वेस्ट करनी है तो तुम्हारी मर्जी। हाउसवाइफ होना क्या इतना बुरा है भाभी, और उसे कम है क्या? हमने ऐसा कब कहा, कुछ लोगों के लिए परफेक्ट होगा शायद, पर इस वक्त हम अपनी बेटी से बात कर रहे हैं, तुम प्लीज बीच में मत बोलो। नंदिनी हमारी भी बेटी है। मधु प्लीज, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम नंदिनी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन हमें हमारी बेटी से एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम नहीं समझ पाओगे। हम समझते हैं भाभी, लेकिन उसे एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। मम्मा चाची अब दोनों हमारे लिए मत लड़िए, हमने कहा ना मम्मा हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अगली बार फर्स्ट आके दिखाएंगे आपको।
ये लो, मम्मी ने दूध भेजा तुम्हारे लिए। अब वैसे तुम्हें हॉस्टल में दूध देगा कौन, चिढ़ाएगा कौन? याद आएगी तुम्हारी। नंदिनी के लिए छोड़ के जा रही हूँ, वरना नहीं छोड़ती। अब कर लेना प्यार और नाक मत कटवाना मेरी। ओके दादी माँ। वैसे बताया कि नहीं उसे? नहीं, घर आने के बाद काफी अपसेट थी वो। इसने बोला कि सल से उसको पढ़ाई पे फोकस करना। अब तुम क्या करोगे भैया? पता नहीं सलोन, स्कॉलरशिप भी मिल गई, हॉस्टल भी मिल गया, जब उसका कोई फायदा नहीं हुआ। भैया तुम्हें स्कॉलरशिप मिली कैसे? स्टूपिड हो बिल्कुल, तुम वेट करते रह जाओगे और उसको कोई और ही। देखो हमारे पास दो ऑप्शन है मुरलीधर शर्मा। पहला कि नंदिनी को जाके बताओ कि तुम क्या फील करते हो और उससे पूछो कि वो क्या फील करती है। दूसरा कि लौट के बुद्धू रतलाम वापस चलो। जो भी ऑप्शन चुनो बस आगे चल के सर मत पीटना। कंग्रेचुलेशन। मम्मा ने बताया नहीं आपको, हम इस बार फर्स्ट नहीं आए। पता है। तुम ना अपनी मम्मी की बातों को दिल पे मत लिया करो, और वो तुम्हें इसलिए डांटती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा जो बच्चा है वो कितना होशियार है। आप गुस्सा नहीं हो कि हम थर्ड आए? तो क्या हो गया? थर्ड आने के बाद फर्स्ट आने का मजा ही कुछ अलग है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी जो बिटिया रानी है ना, वो हमेशा खुश रहे। स्कूल में रैंक चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मगर जिंदगी में तुम हमेशा अव्वल आओगी और अपने पापा का नाम रोशन करोगी। बाय द वे, फर्स्ट कौन है? मुरली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर टॉप 3 रैंकर्स इन द स्कॉलरशिप एग्जाम दिस ईयर। थर्ड रैंक नंदिनी सिन्हा। कांग्रेचुलेशन। सेकेंड रैंक विक्रम सिंह। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। एंड नाउ फर्स्ट रैंक, जिसने हम सबको सरप्राइज कर दिया, मुरलीधर शर्मा। हेलो। हाय। नहीं चाची, सब देखते हैं। अरे इसलिए तो लगा रहे कि सब देखते हैं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। कांग्रेचुलेशन। मुरली ने अभी कुछ ही दिन पहले स्कूल ज्वाइन किया और वो हिंदी मीडियम से था। कुछ लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन मुरली ने ये साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मुरली, तुम दूसरे बच्चों के लिए मिसाल। शाबाश, कांग्रेचुलेशन, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सर।
दिस इज गोइंग टू बी अवर स्कॉलरशिप अचीव अवार्ड. यहाँ पे अब से हर साल के स्कॉलरशिप अचीवर स्टूडेंट्स के नाम और फोटोग्राफ लगाए जाएंगे लाइक दिस थ्री, जिसे देखकर और भी स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे. आइए मेरे साथ. कांग्रेचुलेशंस मुरली, यू रियली वर्क्ड हार्ड. एब्सोल्युटली कांग्रेचुलेशंस. तुम ठीक हो ना मुरली? अपसेट लग रहे हो? हाँ ठीक हूँ. हर साल ना टॉपर ट्रीट देता है, तुम भी हमें ट्रीट दो कैंटीन में. चलो. नंदिनी, नंदिनी लगी तो नहीं? आई ओके? श्योर? थैंक यू. कंग्रेचुलेशंस मुरली, कमाल का रिजल्ट लाए हो. थैंक यू अंकल. कंग्रेचुलेशंस टू यू टू विक्रम. थैंक यू आंटी. विक्रम, मॉम बुला रही है, मैं चलता हूँ. मुरली, मुरली बेटा, वो प्रिंसिपल साहब ने अपने केबिन में बुलाया, वो तुम्हारे हॉस्टल के लिए बात बात करनी है ना. हाँ हाँ, आ जाओ. तुम अब हॉस्टल क्यों जा रहे हो? क्योंकि पापा ने नौकरी के लिए मना कर दिया ना. मम्मी पापा सब रतलाम वापस जा रहे हैं, सिर्फ मैं ही हॉस्टल में रहूंगा. पापा, विनोद अंकल ने जॉब लेने से मना कर दिया. ये बॉयज डॉर्मेटरी है, ये डाइनिंग हॉल, ये कॉमन रूम, इसके बाद आपको टूर भी देंगे. जी सर. मुरली, हॉस्टल के रूल्स अलग होते हैं, उठना नहाना पढ़ना खाना सब टाइम के हिसाब से, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है. वार्डन सर विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू. मुरली, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे पेरेंट्स साथ नहीं होंगे, पर हम और पूरा स्टाफ है यहाँ, सो नथिंग टू वरी. ओके? तो सर, मुरली फिर कब शिफ्ट कर सकता है? इमीडिएटली. कल जब आप रतलाम के लिए निकले तो मुरली को यहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा. और हाँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म इसके हाथ भर के भिजवा दीजिएगा. जी सर. अंकल आंटी, हम सब मुरली के दोस्त हैं, हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना गाइस? यस यस फॉर श्योर, हम सब मुरली के साथ हैं. और हम उसे अकेले बोर भी नहीं होने देंगे, ना ही आपकी याद आने देंगे. वी विल टेक केयर ऑफ हिम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. थैंक यू बेटा. असल में मुरली कभी अकेला रहा नहीं है ना, बस इसलिए थोड़ा सा. वैसे बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का. थैंक यू बेटा. थैंक यू. चलते अब. 16 साल में कई बार घर से भागने की धमकी दी थी, एक बार भागने की नाकाम कोशिश भी की थी, पर यह पहली बार था जब मम्मी पापा से अलग रहना सच हो रहा था. एक तरफ नंदिनी का प्यार मिलने की उम्मीद थी और दूसरी तरफ मम्मी का आंचल छूटने का डर, और दोनों के बीच फंसा मैं, अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था. बस मम्मी, पेट भर गया. एक गस्सा और ले ले अपनी मम्मी के हाथ से, फिर कल को तो हम चले जाएंगे. मुझे भैया के साथ ही रहना, आप लोग ही जाइए, मैं नहीं जाऊंगी. तुझे क्या हुआ है? ले, तू भी एक गस्सा ले हमारे हाथ से ले. मैं क्यों नहीं रह सकती? मुरली तो हॉस्टल में रहेगा, तू कहाँ जाएगी?
मुझे भी हॉस्टल में डलवा दो। अरे बाबा, हम मंगल ग्रह पे थोड़ी ना जा रहे हैं, हफ्ते 10 दिन में भाई से मिलने आते रहेंगे। 10 दिन में आएंगे आप लोग? तू जब कहेगा तब आ जाएंगे, ठीक है? और नहीं तो क्या। मुरली बेटा, ये तेरे हॉस्टल का फॉर्म है, ये ले, इस पे साइन कर दे। अरे भाई, सबने चेहरे क्यों लटका रखे हैं? रतलाम यही है, दूर नहीं है, मंगल ग्रह पे थोड़ी ना रतलाम। क्या हुआ चाचा? और आप क्या एक ही किताब से जोक पढ़ते हो क्या? बदमाशी मत कर ज्यादा, समझे? सुनो, खाना वाना हो गया तो जल्दी जल्दी सो जाओ, सुबह सुबह ट्रक आ जाएगा सामान लेने के लिए, ठीक है? जल्दी करवा सुविता। पापा कहाँ गए? वो ट्रक वाले को रास्ता नहीं मिल रहा था तो नाके तक गए हैं, आते ही होंगे, और आते वक्त हमारे लिए टैक्सी भी ले आएंगे। तुझे हॉस्टल छोड़ के हम लोग फिर स्टेशन चले जाएंगे, खाना बांध लेते हैं हम। हाँ रुको मम्मी, मैं भी आप सबके साथ रतलाम चल रहा हूं। क्या तय कर लिया मैंने? मुझे नहीं रहना यहाँ अकेले। सच कह रहे तू? हमारे साथ रतलाम आएगा? हाँ, मेरा सामान भी रख लो। बेटा तुझे ना हम यहाँ अकेले छोड़कर जा रहे थे तो बहुत दुखी हो रहे थे हम। पर एक बात बता, हाँ हमारी परेशानी देखकर तो तू हमारे साथ रतलाम नहीं आ रहा है ना? हा? नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करना। हम रह लेंगे तुझसे दूर, और हम रोएंगे भी नहीं, बिल्कुल रोएंगे नहीं, बता रहे। पता है अब क्या रोती हो? ऐसा कुछ नहीं, मैं भी आप सबके साथ रतलाम चल रहा हूँ। शंभू भैया, शंभू भैया, क्या हुआ? तू खुश नहीं है कि मैं तुम सबके साथ चल रहा हूँ? तुम खुश हो, तुम चल रहे हो। अब यहाँ रहकर क्या करूंगा सब? नंदनी को पढ़ाई के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, उसने खुद कहा, ना दोस्त ना और कुछ। ऊपर से मम्मी भी तो इतना दुखी है, फिर किसके लिए रुकूं? अपने लिए और किसके लिए? इतना बलिदानी होने की जरूरत नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचो। हट, बलिदान वलिदान कुछ नहीं है। हाँ, सबके दुखी होने से अच्छा है कि मैं ही अकेला दुखी रहूं। चल नंदनी को बाय बोलकर आता हूँ, पता नहीं फिर मिलेंगे या नहीं। नहीं शंभू भैया, कोई गलतफहमी नहीं थी। शेखर बाबू ने ही मुरली के पापा को नौकरी से निकलवाया था। कहने को तो उन्होंने माफी मांगी थी, पर आप ही बताइए, ऐसे आदमी के साथ कोई भी फिर से कैसे काम कर सकता है जिसने आपकी बेइज्जती की हो, आप पे शक किया? मुरली कहाँ जा रहा है बेटा? तेरे पापा ट्रक लेकर आते ही होंगे। अपनी दोस्त को बाय बोल।
जरा सा है घुमासा हो जाने दे बैठे बैठे झूठी बातें हो जाने दे खो जाने दे खो जाने दे वहां जहां पे कोई आता नहीं खो जाने दे खो जाने दे बैठी है नजरे आज भी मुरली सुबह सुबह तुम यहाँ कुछ हुआ है क्या नंदनी मैं रतलाम जा रहा हूँ मम्मी पापा के साथ दैट्स ग्रेट वापस कब आओगे तब तो हॉस्टल में रहोगे ना वापस नहीं आ रहा मैं नंदनी तुम स्कूल छोड़ के जा रहे हो सब लोग शाम वापस जा रहे हैं तो मैं बाय बोल रहा हूँ मुरली तुमने कब डिसाइड किया ये ऐसे बोझ है हमारे तुम कितना अच्छा कर रहे हो यहाँ स्कूल चेंज करोगे ना तो तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी प्लीज मुरली मन जाओ ना नंदन अब लोग जा रहे हैं रास्ता में मैं भी तुम्हारा जाना जरूरी है क्या रह सकता तो रह जाता पर मम्मी पगे में ना नहीं रह सकता मैं नहीं अब पापा यहाँ नहीं रहना चाहते हमें नहीं पता था हमारे पापा और तुम्हारे पापा में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है नंदन मतलब सॉरी पर मैंने मेरी मम्मी को कहते सुना शेखर अंकल ने मेरे पापा को उनकी जॉब से निकाला है Are you sure, मुरली अपने पापा से पूछ लो उनसे तो करेंगे हम बात